वेल दोस्तों, अगर आपने भी यही सोच कि इस वीडियो पे क्लिक किया कि इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन के अंदर कैसे प्रश्नों अप्लाई करें, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन के अंदर प्रश्नों अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाने से पहले सबसे पहले तो आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोन अमाउंट देख लो कि मैंने खुद इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किया और मेरे लिए यहाँ पे पूरे 10,000 का लोन ऑफर आ चुका है कि हम यहाँ से इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन के अंदर पूरे 10,000 का लोन के एलिजिबल है। और ऊपर देख लो कि ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, लोन अमाउंट अप्रूवड एज पर एलिजिबिलिटी। यानी कि दोस्तों, मेरे लिए यहाँ से पूरे के पूरे 10,000 का लोन ऑफर आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन के अंदर पर्सनल अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन के अंदर पर्सनल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, इस वीडियो के अंदर सभी कुछ कंप्लीट दिखाया हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो इंस्टेंस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। और जैसे ही यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लोगे, फिर नीचे सर्चिंग का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको सर्चिंग वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो भी सर्च किया है सेम वही यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप इंस्टेंस लेंस सर्च कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। जो देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ से इंस्टेंस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। तो दोस्तों, अगर इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन का रेटिंग का बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.8 का इस लोन एप्लीकेशन को रेटिंग मिला हुआ है। तो दोस्तों, अभी ये जो लोन एप्लीकेशन दोस्तों प्ले स्टोर पर न्यू लोन एप्लीकेशन आया हुआ है, तो अभी काफी अच्छा रेटिंग इसको नहीं मिला हुआ है। और डाउनलोड्स की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10,000 प्लस लोगों ने ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं। और दोस्तों, अगर इसका कुछ अबाउट फीचर यहाँ पर देख लेते हैं कि यह लोन एप्लीकेशन आपको कितना का लोन प्रोवाइड कराता है, कितना लोन देता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ से अबाउट वाले ऑप्शन क्लिक कर लिया, फिर यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आप इंस्टेंस लोन एप्लीकेशन के अंदर मिनिमम 1,00,000 से लेकर मैक्सिमम पूरे 30,00,000 तक आप पर्सनल लोन ले सकते हो। और यहाँ जो आपको लोन अमाउंट मिलता है मिनिमम 1 मंथ से लेकर मैक्सिमम 13 ईयर्स तक लिए यहाँ पे आपको लोन अमाउंट दिया जाएगा। और मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज जो यहाँ पे आपको लगाया जाएगा 12% यहाँ पे लगाया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 1% आपको यहाँ पे लगाया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ से एग्जाम्पल में लोन लेते हो तो आपको कितना रिपेमेंट करना होगा, क्या करना होगा, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन का अगर ये देख ले तो ये एप्लीकेशन कब लॉन्च किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जो लॉन्च किया था 28 अगस्त को लॉन्च किया था। यानी दोस्तों, 28 अगस्त 2024 को यह लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लॉन्च किया था और इतना जल्दी 10,000 प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ से आप इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, फिर यहाँ से आपको ओपन वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप ओपन वाले आइकन पर क्लिक कर लोगे, फिर ऊपर ही यहाँ पर एक परमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों, अब यहाँ से आपको इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा। तो परमिशन देने के लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्री का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको एग्री वाले ऑप्शन क्लिक करके इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन को एक एक करके यहाँ से आपको लगातार परमिशन दे देना है। और जैसे ही यहाँ से आप लगातार परमिशन दे दोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ही आपको बता देता है कि अगर आप यहाँ से इंस्टेंस लोन एप्लीकेशन के अंदर अगर आप ऐसा पर्सनल लोन लेते हो तो ओनली फॉर 4 इजी स्टेप में यहाँ से आपको लोन अमाउंट दे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन के अंदर मिनिमम 1,00,000 से लेकर मैक्सिमम पूरे 30,00,000 तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। और सर्विस चार्ज यहाँ पे आपको लगाया जाएगा 1%, यहाँ पे आपको सर्विस चार्ज भी लगाया जाएगा। और एनुअल परसेंटेज जो यहाँ पे आपको लगाया जाएगा 12% लगाया जाएगा। और यहाँ जो आपको लोन अमाउंट मिलता है टेनओवर की बात कर ले तो मिनिमम 1 साल से लेकर मैक्सिमम पूरे 30 साल तक के लिए यहाँ पे आपको लोन अमाउंट दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ से आपको लोन अप्लाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ जाएगा अप्लाई फॉर लेंडिंग। तो यहाँ से आपको अप्लाई फॉर लेंडिंग वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप अप्लाई फॉर लेंडिंग वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फोन नंबर। तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिएगा, फिर उसके ठीक नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है गेट SMS OTP। तो यहाँ से आपको गेट SMS OTP लॉक से क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से अपना मोबाइल नंबर इंटर करके यहाँ से आप गेट SMS OTP लॉक से क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आप यहाँ से इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन के अंदर जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड कराओगे उसी मोबाइल नंबर पर इंस्टेंस लेंस एप्लीकेशन का OTP आएगा। OTP इंटर करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर दोस्तों, यहाँ से आपको साइनिंग वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है।
गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी प्रकार से यहाँ से अपना मोबाइल नंबर इंटर करके ओटीपी इंटर करके इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों हम यहाँ से साइन इन वाले ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहां से अपना ओटीपी इंटर करके वहां से आप गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों फिर से आपके सामने इसी टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इंस्टेंट लैंड एप्लीकेशन को लॉग इन करोगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके ठीक नीचे फिर से आपको अप्लाई फॉर लैंडिंग का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको फिर से अप्लाई फॉर लैंडिंग वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप अप्लाई फॉर लैंडिंग वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाता है लोन टाइप। दोस्तों लोन टाइप वाले ऑप्शन जैसे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप किस टाइप का लोन लेना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पे काफी सारा लोन देखने को मिल जाएगा, तो आपको जो भी लोन लेना हो वो लोन देख लीजिएगा। जैसे यहाँ से आप होम के लोन ले सकते हो, ट्रांसफर होम लोन के लिए ले सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर्टी लोन भी ले सकते हो, सेल्फ लोन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और भी काफी सारा लोन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख लो, मैं यहाँ से होम लोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट फील्ड आर यू इंटरेस्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर कोई सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर आप देख सकते काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से वो करना क्या पड़ेगा, सबसे नीचे अदर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको अदर वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना साल या कितना मंथ के लिए यहाँ से आप लोन लेना चाहते हो, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे 30 साल तक बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 20 साल ही शो कर रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कि मैं 2 साल के लोन लेंगे, तो मैंने यहाँ से 2 साल सेलेक्ट कर लिया। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप जो अपना रिपेमेंट करना चाहते हो, कितना दिन पे करना चाहते हो, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि इंस्टेंट लैंड एप्लीकेशन के द्वारा कि आप इस लोन एप्लीकेशन का कितना का लोन लेना चाहते हो। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ से मिनिमम का ही लोन लेंगे, यानी दोस्तों पूरे हम यहाँ से 1 लाख का ही लोन लेंगे, तो मैंने यहाँ से 1 लाख लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। तो आपको जितना भी लोन अमाउंट की नीड होगी उतना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे आपको देखने को मिल जाता है अकाउंट डिटेल्स, तो यहाँ से आपको अपना अकाउंट डिटेल्स इंटर करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपने बैंक का यहाँ पे नाम इंटर कर देना है कि आप कौन से बैंक में आपका खाता है, वो इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ अपना बैंक अकाउंट का नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट का जो भी आईएफएससी कोड होगा, आईएफएससी कोड इंटर करके नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी प्रकार से यहाँ से अपना अकाउंट डिटेल्स इंटर करके हम यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। और जैसे वहां से अपने अकाउंट डिटेल्स इंटर करके वहां से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब यहाँ से आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ेगा। तो दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर में आपको कितना देना होगा मैं आपको बता दूं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी दोस्तों 5 इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप जिसका भी नंबर दे रहे हो, आपके रिलेशनशिप में लगते क्या है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उनका नाम इंटर करके मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। फिर दोस्तों वो पांचों में सेम वही कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख लो, हम रिलेशनशिप में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं फ्रेंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों हम यहाँ पे उनका नाम इंटर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उनका नाम इंटर कर दिया, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे, तो आपके कॉन्टेक्ट में जितना भी मोबाइल नंबर होगा यहाँ से अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिएगा। जिस भी दोस्त का या मदर या फादर का नंबर देना चाहते हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों पांचों में आपको वही इंटर करके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहां से आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहां से आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में यहां पर पैन का आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। और जैसे ही यहां से अपने पैन का आधार कार्ड को वेरीफाई कर लोगे, फिर दोस्तों अकाउंट डिटेल्स इंटर करोगे, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको लोन ऑफर बता दिया जाएगा कि आप इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन का कितना लोन एलिजिबल हो। तो दोस्तों आप भी कुछ इसी प्रकार से इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन का प्रश्न अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको कुछ इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ कि क्या यह लोन एप्लीकेशन रियल या फेक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह जो इंस्टेंस लोन एप्लीकेशन है या फेक लोन एप्लीकेशन है, और यह जो एप्लीकेशन दोस्तों यह 7 डेज लोन एप्लीकेशन है। अगर आप सोचोगे कि यह आपको 1 साल 2 साल का लोन दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके मन में है कि यह आपको 1 लाख का लोन दे दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। यह जो एप्लीकेशन है दोस्तों, यह आपको 2000 से लेकर 3000 या 4000 5000 का लोन दे सकता है। और वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आप 2000 का लोन लेते हो, तो दोस्तों आपको रिपेमेंट जैसे मान लेते हैं आपको 4000 यहाँ पे कराया जा रहा है, मतलब वो भी 7 दिन के अंदर में ही। और जैसे अगर 4000 भी अगर आप यहाँ से रिपेमेंट कर देते हो, तो फिर दोस्तों ये आपसे 4 का 8000 लेंगे, फिर 8 से 10000 लेंगे। तो जब तक इनका मन नहीं भरेगा तब तक ये आपसे पैसा लेते रहेंगे, और दोस्तों आपको बार बार हरासमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल भी लोन अप्लाई करने मत जाना, क्योंकि दोस्तों यह जो लोन एप्लीकेशन है यह 100% फेक लोन एप्लीकेशन, यह NBFC RBI लोन एप्लीकेशन है ही नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस लोन
एप्लीकेशन के अंदर लोन ले रखे हैं तो दोस्तों आप लोग इनको बिल्कुल भी रिपेमेंट मत करना, जैसे अगर आपको यहाँ पे ब्लैकमेल भी किया जाएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको सभी को स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्या ये इंस्टेंस लैंड एप्लीकेशन है, रियल या फेक है, ये आपको लोन देता भी या नहीं देता है। दोस्तों ये आपको लोन देगा, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ से लोन ले लेते हो तो आपको काफी ज्यादा हरासमेंट भी किया जाएगा और ब्लैकमेल भी किया जाएगा। दोस्तों मेरा मानो तो मैं बोलूंगा दोस्तों कि आप 7 डेज लोन एप्लीकेशन के अंदर कभी भी लोन लो ही मत। अगर आप यहाँ से लोन लोगे दोस्तों उसका भी ट्रिक है कि कैसे लोन लिया जाता है, मैंने अपने खुद के चैनल पे एक लेटेस्ट में ये आपको वीडियो देखने में मिल जाएगा जिसको आप देख लें दोस्तों। और 7 डेज लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन लिया जाता है मैंने कंप्लीट प्रोसेस उसमें बताया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सच में स्टैंड पर्सनल लोन लेना चाहते हो वो पैसों को ज्यादा इमरजेंसी आ गई है, और वैसे में अगर आपने काफी सारे लोन एप्लीकेशन ट्राई कर लिए हो लेकिन आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं दिया जा रहा है और आप ऐसे लोन एप्लीकेशन की तलाश में हो जहां से आपको पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करके लोन मिल जाए, तो मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक रियल फ्यूचर लोन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा जहां से आप मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम पूरे 1,00,000 तक का लोन मार्ट ले सकते हो। और दोस्तों सबसे मजे की बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वहां पे जितने फ्यूचर लोन एप्लीकेशन है सभी NBFC RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है। तो आपको सच में स्टैंड पर्सनल लोन लेना है तो आप उन फ्यूचर लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस गाइज आज की इस वीडियो में इतना। गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।